गाइस व्हाट्स अप, फ्लैश हियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले वाले एपिसोड में हमने कुछ सिक्योरिटी पासेस चुराए थे कैसीनो हाइस्ट के लिए, कैसीनो में एंट्री के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम उस मिशंस में प्रोग्रेस करेंगे। कुछ मिशंस थे उनमें से जो ऑप्शनल थे, लेकिन अगर वो हम नहीं करेंगे तो हमें हाइस्ट करने में ज़्यादा तकलीफ पड़ेगी। तो फिलहाल तो मैं अपनी ये बुलेट प्रूफ कार लेकर चलता हूँ सीधे अपने आर्केड पर और चूज़ करते हैं कि आज हम कौन सा मिशन करेंगे। हो गया, तो मैं अपने आर्केड पर भी पहुंचने वाला हूं। बस मुझे आगे से लेफ्ट लेना है, यहां से लेफ्ट। Hi there, this is... और ये रहा अपना आर्केड, यहां से लेफ्ट, यहां से राइट। ओके, सीधे चलते हैं अपने आर्केड के अंदर। और मेरे पास 1.9 मिलियन डॉलर्स भी हो चुके हैं, तो अब मैं कोई बंकर खरीद लूंगा जिससे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। यहाँ पर मैं जब भी आता हूँ कोई कस्टमर ही नहीं होता, ऐसे ही पता नहीं मेरे लॉकर में पैसे आते रहते हैं। फिलहाल अभी तो लॉकर खाली है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ बेसमेंट में नीचे। ओके, तो जो सस्ती अनाबेला है वो खुल गई है और सीधे चलते हैं नीचे। लेस्टर दिखाई नहीं देता, लेकिन सारे क्रू मेम्बर्स यहीं पर होते हैं। ये हमारा वेपन का सेक्शन है और ये कुछ गाड़ियाँ जो मैंने पिछले अपने कोई वीडियो में आपको दिखाई होगी, मतलब दिखाई है। ये अपना डेस्क है, डिस्कशन यहाँ पर होता है। और ये रहा अपना मेन जो प्लानिंग बोर्ड है वो। वैसे सबसे पहले जाकर चूज़ कर लेते हैं। ये हमने कंप्लीट कर दिया था और जो लास्ट वाला था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इस मिशन के बारे में डिटेल्स रीड करता हूँ मैं। फाइंड एंड टेक द फोटो ऑफ द कैसीनो सिक्योरिटी गार्ड स्टाफ रोस्टर। ओके, तो मतलब इस मिशन में हमें सिक्योरिटी गार्ड्स के जो फोटो है वो कहाँ कहाँ पर खड़े रहते हैं उनके फ़ोटो खींच के हमें लेस्टर को भेजने, ताकि हम आगे की प्लानिंग कर सकें। मैं ये चाहे तो ये जो इस मिशन की रिक्वायरमेंट वो ऑप्शनल है, लेकिन हमें करते टाइम फिर हमें इसमें तकलीफ होगी, इसलिए मैं इसे कर ही देता हूँ। मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ, ये लेस्टर बोल रहा है, इसे बोलने भी नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। कहाँ पर जाना है हमें? गैलीलियो ऑब्जर्वेटरी। अरे फिलहाल तो मैं अपने लिए आर्मर्स खरीद लेता हूँ अगर मेरे पास है। मुझे पता नहीं कि मेरे पास है कि नहीं, लेकिन एक बार देख ही लेते हैं, खरीद भी लेंगे। और होमिंग लॉन्चर भी शायद ख़त्म हो गए मेरे पास। ओके, तो ये तो मेरे पास फुल है ही पहले से। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ बॉम्ब देख लेता हूँ। ग्रेनेड है हमारे अपने पास, माइन भी है, प्रॉक्सिमिटी माइन, स्टिकी बॉम्ब भी फुल है पड़े हमारे पास। और मैं अभी होमिंग लॉन्चर देख लेता हूँ, जो कि ये रहा, ये भी मेरे पास फुल है। ओके, ये वेपन्स तो मैं पिछले वाले वीडियो में ही सारे खरीद लिए थे ऑलरेडी। तो फटाफट निकलता हूँ मैं, थैंक यू। ओके, तो फटाफट निकल लेते हैं यहाँ से। हमारी गाड़ी थक तो गई है थोड़ी, कोई बात नहीं, निकलता हूँ सीधे गैलीलियो ऑब्जर्वेटरी के लिए। ओके गाइस, तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँच ही गया हूँ, मुझे बस 500 मीटर्स आगे जाना है। और हाँ, मैंने अपना जो स्पीडोमीटर है वो किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट कर दिया है, और बस और थोड़ा ही आगे जाना है। यहाँ पर आ गए, आगे से मुझे लेना है राइट, मतलब ऑलमोस्ट यू टर्न ही लेना है, कोई बात नहीं। पता नहीं क्या है जगह, ऑब्जर्वेटरी इतना लिखा हुआ है, लेकिन देखा है मैंने शायद ये। मतलब हमें कोई गाड़ी ढूंढनी है। मैं इस घास फूस पर चला जाता हूँ, गाड़ी ये समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या करना है। सर्च द मीटिंग फॉर द कार, मतलब इसका मतलब ही क्या हुआ? ऐसे ही चल लेता हूँ। यहाँ पर कुछ तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बॉडी गार्ड है तो ओह शिट, कोई बंदे आ रहे हैं इधर। ओके, तो हमारे पास लेस्टर ने हमें कुछ भेजा हुआ है,
06AJB815। तो इस गाड़ी का लाइसेंस प्लेट मतलब हमें ए नंबर ये है, तो कैसे ढूंढूं मैं, स्नाइपर ही निकालनी पड़ेगी। लेकिन कोई इससे ने देख लिया तो कोई बात नहीं, देखे तो देखे। इस गाड़ी का तो लाइसेंस प्लेट दिखे कि नहीं, इस गाड़ी की क्या है, तो 49 से शुरू हो रहा है। ये ब्लैक कार जो खड़ी है इसकी लाइसेंस प्लेट देखता हूँ, ये भी नहीं है, इसके भी 48 से समथिंग है। मुझे ये वैन लग रही है लेकिन दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ओके तो गुंडे हैं यहाँ पर, मुझे ऐसे देखना पड़ेगा। ये भी नहीं है, कौन सी गाड़ी हो सकती है, 06AJ, ऑलमोस्ट वैसा ही नंबर था। ओ वोरी फेलॉन GT 815 है ऊपर, देख लेता हूँ वापस एक बार। ओके गाड़ी मिल गई है मुझे, मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ क्योंकि अगर फायरिंग की उन लोगों ने तो मेरे को कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं मेरी बुलेट प्रूफ कार की वजह से। तो वो जो वहाँ पर फेलॉन GT खड़ी है, इन शॉर्ट जो जैगुआर खड़ी है वहाँ पर, वही वो गाड़ी है। लेकिन वहाँ तक जाऊँ कैसे मैं, अरे जा यार तू पहले जा। ओ शिट, मैं उसके रेडार में आ जाऊँगा, उसको वापस से पीछे जाने देता हूँ पहले। मुझे गाड़ी मिल गई है लेकिन सर इज द मीटिंग फॉर द कार, मैं उस साइड पीछे पहाड़ पर चढ़ जाता हूँ। ओ शिट बच गया। वो तो ये जो बॉडीगार्ड खड़ा है वो गाड़ी के पास ही खड़ा है। ओ शिट गन अंदर रखनी पड़ेगी, लेकिन कार तो मिल गई लेकिन मैं करूँ क्या इसका। मुझे फोटो भेजना होगा इससे पहले कि वो बॉडीगार्ड आ जाए। ओके तो फोटो ले लिया है मैंने सेंटो लेस्टर, अभी भागना पड़ेगा वो बॉडीगार्ड आ रहा है। ओके तो मैं बच गया, बहुत खतरनाक मिशन था लेकिन हो गया, डर बहुत लग रहा था मुझे। कोई बात नहीं, मिशन हमने ख़त्म कर लिया है। अरे 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 अरे, कोई बात नहीं, इस एरिया से मैं निकल लेता हूँ, पहाड़ी सीधा उतर जाता हूँ, लंबे रास्ते पहुँच जाएगा। ओके तो ये जो काम है वो भी मैंने ख़त्म कर दिया है। अरे अरे, तो अब मैं सीधा चलता हूँ अपने आर्केड पर, कोई और काम ख़त्म कर देते हैं। ओके गाइस, तो मैं अपने आर्केड पर पहुँचने वाला हूँ, और रास्ते में मैंने अपनी ये जो लैम्बोर्गिनी थी वो चेंज कर ली थी क्योंकि वो गाड़ी थोड़ी स्लो थी इसलिए। लेकिन मैं फटाफट इस गाड़ी को रिटर्न करके अपनी जो बुलेट प्रूफ कार है वो वापस मंगवा लेता हूँ। गाइस तो मेरी जो बुलेट प्रूफ कार है वो भी यहाँ पर आ चुकी है, तो फिलहाल तो मैं अभी अपने आर्केड के अंदर चलता हूँ और देखते हैं कि अगली प्रिपरेशन हमें क्या करनी है अपने कैसीनो हाइस्ट के लिए। गाइस तो मैं अपने कैसीनो के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ से सीधा चलता हूँ अपनी ऑफिस के अंदर। ये जिमी यहीं पे खड़ा रहता है हमेशा, कोई बात नहीं, अंदर चलता हूँ और अपनी। ओके तो ये दरवाज़ा पहले से खुला है, मुझे लगा वहाँ पे खड़ा है, ओके वो कैरेक्टर था, कोई बात नहीं, चलते सीधा नीचे की तरफ। और अपना जो प्रेप बोर्ड है वहाँ पर चलकर कोई और मिशन कर लेते हैं। गैस तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें डिस्ट्रॉय वेपन्स एंड इक्विपमेंट देर आर इंटेंडेड फॉर डेक गन्स कैसीनो सिक्योरिटी, यूज द वेपन एंड आर्मर अवेलेबल टू द कैसीनो सिक्योरिटी गार्ड्स। मतलब इन शॉर्ट हमें इसमें हेलीकॉप्टर लेके जाना पड़ेगा, लेकिन हेलीकॉप्टर चलाना हमें थोड़ा हार्ड लगता है, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस
आज के इस वीडियो के लिए स्टील पावर ड्रिल्स फॉर द सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स इनसाइड द वॉल्ट। ओके, तो हमें ये जो ड्रिलर्स है वो चुराने, तो ये चुरा लेते हैं आज हम लोग। तो गाड़ी की तरफ जाता हूँ और उसके बाद निकलना पड़ेगा ड्रिलर्स चुराने के लिए। ड्रिलर्स जो बोले वो आप, और यहाँ से ओके, तो शायद लॉस सेंटर जाना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वहीं पे कंस्ट्रक्शन जन्मों से चली रही है। देख लेता हूँ कहाँ पर जाना है। पता था। ओके, नहीं वो जगह दूसरी है, यहीं से चलते हैं। ऐसे 10 किलोमीटर और दूर जाना है तो चलते हैं वहाँ पर। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ है। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स है मैप पर, वो हमें चुराने हैं। तो ओ शिट, एक आदमी यहीं पर आके खड़ा है, ये जाएगा ना तब मैं। ओके, तो चला भी गया फटाफट से। I told you they take exception to someone just wandering around. Knock them out if you have to, but don't kill any of them for Christ's sake. अरे यार, मेरे पार, मेरे पीछे। अरे मुझे अभी जल्दी से सारे बॉक्सेस को चुराने पड़ेंगे। अरे यार, ओके, तो ये एक ले लिया है, ये दूसरा ले लिया, कैसे लेते हैं? अरे जल्दी ले, पुलिस भी आ गए ऑलमोस्ट। कौन मार रहा है कब का? ओके, तो फटाफट चुरा लेता हूँ। पुलिस ऑलमोस्ट मेरे पीछे आ ही गई है, जल्दी कर। एक तो आर्मर भी नहीं पहना। ओके, तो फटाफट मेरी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और पुलिस को छुड़ाना पड़ेगा। सारे ड्रिल्स जो है वो मैंने चुरा लिए हैं। ओके, अब ये लोग जो भी करें मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भाई तू जा यहाँ से, निकल। दो स्टार की पुलिस इसलिए आसानी से इनका पीछा छूट तो जाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, दूर भागना पड़ेगा इनसे। ये जो भी डायरेक्शन से आएंगे मुझे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। फिलहाल तो इस पार पर चढ़ जाता हूँ। काश के हेलीकॉप्टर ना आए तो फिर मेरा कुछ हो सकता है। इस पहाड़ पर ही चढ़ लेता हूँ, क्या होगा इस पहाड़ पर कोई पुलिस की गाड़ी ना हो तो अच्छा। अरे यार, सामने से ही आ रहा है, बट सामने नदी है, लेकिन इसमें से मेरी गाड़ी निकल जाएगी, कोई बात नहीं। ओ, ऑलमोस्ट बच गई मेरी गाड़ी, वरना जाती। गाइस, तो ये लोग ढूंढ तो नहीं पा रहे, मुझे यहाँ पर थोड़ी देर छुपना पड़ेगा। अरे यार, ये कहीं पे भी आ जाता है ये पुलिस वाला। पहाड़ पर कौन गाड़ी चलाता है मेरे सिवाय? कोई बात नहीं, और थोड़ा दूर निकल। ओके, तो पुलिस ने मेरा पीछे छोड़ दिया, लेकिन मुझे फिर भी चौंकाना रहना पड़ता है, क्योंकि कई बार अगर पुलिस जाती है पीछे से और मैं उनके सामने आ जाता हूँ, वो लोग वापस से पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अभी तो बहुत देर हो चुकी है, तो अब मैं बच जाऊँगा शायद। और ओके, सीधी हो जा। ओके, यहाँ से और 9.8 किलोमीटर दूर जाना है, तो मैं आपको वहाँ पर जाकर मिलता हूँ, अपने आर्केड पर जाकर। ओके गाइस, तो मैं अपने कसिनो पर पहुँच गया हूँ। अरे कसिनो नहीं, सॉरी, आर्केड पर पहुँच ही गया हूँ, और टाइम लिमिट में के अंदर अंदर पहुँच गया हूँ, इसलिए इस बार लेस्टर हमारा सामान जो है एक्सेप्ट कर लेगा। ओके,
गैस, तो हमने जो पावर ड्रिल्स थे वो डिलीवर कर दिए हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं मेरे अगली यूट्यूब वीडियो में, तो के लिए गुड बाय।